अस्सलाम वालेकुम। आज हम मलाई कबाब बनाने जा रहे हैं। ये कबाब ऊपर से बहुत क्रिस्प होती है और अंदर से बिल्कुल क्रीमी मलाई की तरह। सबसे पहले हम एक कप पानी ले लेंगे। ये 250 ml पानी है। हम इसमें एक टुकड़ी दालचीनी, तीन लौंग और 6 से 8 काली मिर्ची डाल देंगे, थोड़ा नमक, हम अब इसमें चिकन डाल देंगे। हमने बोन वाली चिकन यूज की है 350 ग्राम। आप चाहें तो बोनलेस भी यूज कर सकते हैं 200 ग्राम के करीब। हमें इसका सूप भी चाहिए बॉईल करने के बाद, और चिकन के जो श्रेड्स है बॉईल करके हम अलग करेंगे, उसे भी हम यूज करेंगे। चिकन के गलने तक हम इसे पकने देंगे। हमें इसमें 8 से 10 मिनट लग जाएगी। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। मीडियम फ्लेम पर हमने चिकन को पकाया है। चिकन के पीसेस गल गए हैं। हम चिकन के पीसेस में से हड्डियों को अलग कर लेंगे और चिकन को श्रेड कर लेंगे, और इसका सूप जो है वो संभाल कर रखेंगे। हम इसे स्टॉक कहते हैं। कम से कम 1 कप जितना हमें रखना है संभाल कर। अगर आपको लगे कि इसमें 1 कप जितना स्टॉक नहीं है तो आप थोड़ा और पानी डालकर इसे बॉईल कर लें और तकरीबन 1 कप स्टॉक संभाल कर रखें। इसमें जो गर्म मसाले हमने ऐड किए हैं, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, इन्हें हमें निकाल देना है, हमें अभी वो नहीं चाहिए। ये चिकन का स्टॉक है, जो सूप है हम इसमें 3 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लोर मिला देंगे। इसे हम मिक्स कर रेडी रखेंगे। हम 2 टेबलस्पून भरकर मक्खन ले लेंगे। मक्खन मेल्ट हो जाने के बाद हम इसमें 1 छोटा प्याज डालेंगे, बिल्कुल बारीक चॉप करके। फ्लेम को लो रख के हमें प्याज को सिर्फ नरम करना है, इसे ब्राउन नहीं करना। प्याज अच्छी तरह से नरम हो गई है। हम इसमें दूध डाल देंगे। 1/2 कप भरकर दूध यूज किया है हमने, तकरीबन 125 ml। थोड़ा नमक, हमने चिकन में भी नमक डाला है तो इसके सूप में भी नमक है, इसीलिए नमक कम यूज करें। 1 टीस्पून सफेद मिर्च का पाउडर, आप काली मिर्च यूज कर सकते हैं। फ्रेश क्रीम, ये हमने 1 टेबलस्पून भरकर यूज की है। फ्लेम को लो रख के अच्छी तरह से एक बार तमाम चीजों को मिला लेंगे। अच्छी तरह से तमाम चीजों को मिलाने के बाद हम इसमें चीज डाल देंगे। हम यहाँ पर 2 चीज के ट्रायंगल्स यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो प्रोसेस चीज भी यूज कर सकते हैं ग्रेट करके, या चेडर चीज भी यूज कर सकते हैं। लो फ्लेम पर हम चीज को अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। चीज अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। फ्लेम को लो रखकर हमने जो सूप और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर तैयार किया है उसे डाल देंगे। इसे डालते ही हम चलाते रहेंगे इस तरह से, क्योंकि इसमें गांठें बन सकती हैं। फ्लेम को लो करके हमने इसे 3 से 4 मिनट चलाते हुए पकाया है। आप देख सकते हैं ये इतना गाढ़ा हो गया है, हमें ये इतना ही गाढ़ा चाहिए। पकते पकते जब ये इस तरह से कढ़ाई की साइड्स को छोड़ने लगेगा, इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी पर आ गया है। अगर आपका बैटर इतना गाढ़ा नहीं होता है, आप थोड़ा सा और कॉर्नफ्लोर मिलाकर इसमें डाल सकते हैं, पानी या दूध में, और इसे इस तरह की ये कंसिस्टेंसी पर ले आए। हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। 1/2 घंटा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि हमारा व्हाइट सॉस बहुत अच्छी तरह थिक हो गया है। बस ऐसा ही सॉस चाहिए हमें। हम इसमें जो चिकन हमने बॉईल करके श्रेड करके रखे हैं वो डाल देंगे। थोड़ी हरी मिर्च कटी हुई, हरा धनिया और पुदीना, 1 टीस्पून भरकर चिली फ्लेक्स। अच्छी तरह से इन चीजों को हम मिला लेंगे। तमाम चीजें मिक्स करने के बाद एक बार आप नमक को जरूर टेस्ट कर लें। हम अब इनके कबाब बनाएंगे। हमने हाथों को थोड़ा ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया है। आप जो भी साइज के कबाब चाहें वो बना सकते हैं। हम गोल कबाब बना रहे हैं। अगर इस तरह से आसानी से आपके कबाब नहीं बन रहे तो आप थोड़ी देर के लिए बैटर को फ्रिज में भी रख सकते हैं, वो अच्छी तरह से बनने के लायक हो जाएगा। बस इस तरह से हम गोल कबाब बना करके तैयार करेंगे। कबाबों को पहले हम अंडे में डिप करेंगे। हमने अंडे में थोड़ा सा नमक डालकर बीट कर लिया है। बाद में हम इन्हें
ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे। ये पैंको ब्रेड क्रम्स हैं, ये बड़ी आसानी से घर पर बन जाते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इसे ज़रूर बनाएं। इससे आपकी जो कबाब है वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे ऊपर से। अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो इसी तरह ये पॉइंट पे आप स्टोर कर सकते हैं। एक के ऊपर एक कबाब को ना रखें, बस इसी तरह रखें। अगर एक के ऊपर एक रखना चाहते हैं तो इस पर आप बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर रखकर दूसरे कबाब को इसके ऊपर रखें। ध्यान रहे कि इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें, 2 से 3 हफ्ते आराम से ये चलेंगे। Cooking with Benazir, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। दोस्तों मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को भी याद से दबा दें। जब आप इस बेल बटन को दबाएंगे तो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। आपको ऑल पे क्लिक करना है। अगर आप ऑल पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रहे, ऑल पे क्लिक करना है।